अरविंद पांडे जी जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री, जो ठोक बजाकर बोलते थे किसी का ट्रांसफर नहीं किया, उद्योग धंधा बंद कर दिया मैंने, कोई उद्योग धंधा नहीं चलता मेरे राज में, एक ट्रांसफर बताओ सबका रोक दिया ट्रांसफर। अरविंद पांडे जी, एक लिस्ट वायरल हो रही है, इसकी सच्चाई क्या है आप बताइएगा। सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, ये आप जांच करिए। कुछ नाम है, नाम इस तरह है, सुनील पांडे बिहार के रहने वाले चचेरे भाई बताए जाते हैं, रुड़की इंटर कॉलेज में सेट कर दिया। सोनू पांडे बिहार के रहने वाले चचेरे भाई हैं, हरिद्वार इंटर कॉलेज में सेट कर दिया। धर्मेंद्र पांडे बिहार भांजा बताया जा रहा है, मंत्री जी के, पूर्व मंत्री जी के भांजे, बालिका इंटर कॉलेज बहादराबाद में सेट किया। संतोष पांडे बिहार के ही रहने वाले दामाद बताए जा रहे हैं, संस्कृत विद्यालय हरिद्वार में सेट किया। उज्जवल पांडे बाजपुर, भतीजे हैं डायरेक्टर पंचायती राज ऑफिस। ऋतिक पांडे बाजपुर भतीजा, पौड़ी इंटर कॉलेज। जय किशन पांडे बाजपुर चचेरा भाई, जसपुर इंटर कॉलेज। राजू पांडे बाजपुर भतीजे बताए जा रहे हैं, उधम सिंह नगर में सेट किए गए हैं। इस लिस्ट के मुताबिक बताया जा रहा है 2017 से 2021 के दरमियान की भर्तियां। वर्मा जी, ये लिस्ट मेरे हाथ में है सर, कितनी सच्चाई है इस लिस्ट में मैं नहीं जानता, सच्चाई क्या है? संजीव जी बताना चाहिए ना लिस्ट की सच्चाई क्या है। आ रहा हूँ मैं आपकी बात पे आता हूँ। और जब कार्यकर्ता आता है, कार्यकर्ता जब अनुनय विनय करता है और कई सारी बातों के लिए बोलता है कि हमारा कहीं कोई समायोजन करवा दीजिए, हमारे पास रोजगार नहीं है, कुछ रोजगार का साधन उपलब्ध करवा दीजिए, तो उन्होंने इस प्रकार का जो एक कोई यदि लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि इनको इनकी योग्यता के अनुसार यदि कोई काम इनके अनुरूप बन पड़ता है, दिखाई देता है, तो इनको कहीं समायोजित कर सकते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नियुक्ति के लिए बोला, उन्होंने नौकरी देने के लिए बोला। सर लेटर पढ़ा या मैंने कोई लेटर नहीं पढ़ा जी। नहीं पढ़ा, मैं पढ़ देता हूँ, मैं लाइन पढ़ देता हूँ। कृपया निम्नलिखित चार शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को विभाग के जहां जहां आवश्यकता हो यथाशीघ्र समायोजित कर दिया जाए। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को कहीं कोई भवन बन रहा है तो उसमें समायोजित करवा सकते हैं, कहीं मार्केटिंग करवानी हो तो उसमें समायोजित करा सकते सर, हैं। शिक्षित बेरोजगारों से मार्केटिंग कौन सी करवाएंगे, क्या लेबरी करवाएंगे शिक्षित बेरोजगारों से? क्यों नहीं करा सकते सर? लेकिन खैर आप ये कह रहे हैं कि शिक्षित बेरोजगारों से लेबरी करवाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका विवेक है, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए सर, ये अरविंद पांडे की सूची जो वायरल हो रही है इसकी सच्चाई क्या? आप हर चीज को गलत एंगल देने का, मैं गलत नहीं, मैं उत्तराखंड के युवाओं का हिसाब लेने जाता हूँ सर। सर इस लिस्ट के बारे में बोलिए ना, आप क्यों घुमा रहे हैं? अरविंद पांडे की ये सूची की सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। अरविंद पांडे जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरविंद पांडे जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये सूची के बारे में बोलिए सर। स्पष्ट मंतव्य तिलक जी सरकार का पूरा स्पष्ट मंतव्य है कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे, हम हर युवा के को, हर युवा को काम देंगे, हर हाई देंगे ना जवाब आप, और उसी अरविंद पांडे की चिट्ठी का जवाब दीजिए। उसी अरविंद पांडे जी को लेकर ये जो जारी हो रही है सूची उसका जवाब दीजिए। हम क्या अरविंद पांडे ने भी वही किया जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया? भगवान युवा है क्या आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके भतीजा भाग आरएसएस के लोग, क्या उनकी नियुक्ति की गई योग्यता के अनुरूप? उनकी योग्यता के अनुरूप हम लोग काम दे रहे हैं। मैंने तो अभी रेखा आर्य जी का जिक्र किया, अरविंद पांडे का जिक्र किया, अभी तीसरी कहानी तो बाकी है, तीसरी कहानी बाकी है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये लिस्ट में सच्चाई क्या, मैं नहीं जानता। अरविंद पांडे जी की भी अब ये लिस्ट जारी हुई है कि ये नाते रिश्तेदार हैं जहां जहां एडजस्ट उन्होंने किए, सफाई देनी चाहिए अरविंद पांडे जी को कि नहीं? और जिस प्रकार आपने जिक्र किया है पांडे जी का, कितने पांडे, अभी जैसे आपने सबसे पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने अपने बेटे को नौकरी दिलाई बोला, तो उनसे जब मीडिया के लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं मेरी मर्जी। कुंजवाल जी से सवाल पूछा जाता है कि आपने अपने बहू बेटे की सिफारिश की कि हाँ की, मेरी मर्जी। रेखा आर्या का अभी सामने मामला आया, चार लोगों की जो चार नहीं कई लोगों को और भी सिफारिश, अभी तो चार ही लोगों के नाम आए हैं, वो भी कह देगी भैया मेरी मर्जी, क्योंकि इनको किसी का डर नहीं है,
इनके अंदर नैतिकता बची नहीं है, इन्होंने जनता को लूट करके उत्तराखंड की जनता को बर्बाद कर दिया है, पूरे उत्तराखंड